अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्केरा एडिट्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप रमज़ान मुबारक फ़ोटो एडिटिंग कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हो तो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए, आप फ़ोटो एडिटिंग देख रहे होंगे रमज़ान मुबारक पर। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पिक्सआर्ट को ओपन करेंगे। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आगे बताते हैं। ये देखिए, पिक्सआर्ट ओपन हो गई। इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने प्लस के आइकन पर टैप करना है। ये देखें, प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद आपने जाना है यहाँ। जो भी मैं बैकग्राउंड PNG यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आपने डाउनलोड कर लेना है और आपके गैलरी में डाउनलोड वाला फ़ोटो उसमें आ जाएगा। हम चलते हैं अब वीडियो की तरफ। मैं ये बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड ऐड करने के बाद उसके बाद हम जाएँगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अब हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं। ये देखें, ये पिक्चर, इसको मैं इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। देखिए, इस तरह एडजस्ट करने के बाद इसको हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से बैकग्राउंड पर एक लेते हैं। सॉरी यार, बैकग्राउंड नहीं, PNG वगैरह लेते हैं। देखिए, कबूतर का PNG और दूसरा ये वाला, ये दो PNG ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐड हो गया। उसको कबूतर को सिलेक्ट कर लेना और फाइव रोटेट पे जाने के बाद इस तरह रोटेट कर लेना। और उसके बाद इसको यहाँ पे हम इस तरह से बिठा देते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं ब्लेंड में। ब्लेंड में जाने के बाद हम इसको कर देते हैं स्क्रीन पे। करने के बाद ये देखें, ये इस तरह हो गया है। उसके बाद हम यहाँ ऊपर आपको डॉट भी मिल रहा होंगे, इस पर क्लिक करना और डुप्लीकेट कर लेना। ये देखें, डुप्लीकेट हो गया। उसको एक को हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, दूसरा फिर डुप्लीकेट करते हैं। ये देखें, दूसरा भी डुप्लीकेट हो गया। उसको एक को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें, उसके बाद इसको हम यहाँ ही रहने देते हैं। ये देखें इस तरह। ये देखें, ये हो गया। इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर ऐड फोटो का ही काम है। ऐड फोटो में दोबारा बार बार आपने जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर हम जाते हैं डाउनलोड और फोल्डर में। इसमें जाने के बाद एक ये वाला, उसके बाद दूसरा ये वाला, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको इस साइड पे कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ से इसका भी ब्लेंड मोड चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें, मल्टीप्लाई कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर देना है। ये देखें, ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद फिर हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको इस तरह सीधा कर लेने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको फिर साइड पे कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
उसके बाद फिर इसको हम यहाँ पे ये देखिए ये हो गया। उसके बाद फिर डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर उसी फोल्डर में जाते हैं। उस फोल्डर में जाने के बाद हम यहाँ से ये वाला एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से बड़ा कर देते हैं ये देखिए। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर देते हैं। ये देखिए स्क्रीन हो गया। उसके बाद हम ऊपर आपको इरेज का मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इरेज पर जाने के बाद इसके ऊपर ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देती हैं। साइज भी थोड़ा सा चेहरे से हमने इरेज कर देना है। ये देखें इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इरेज कर देना है। ये देखें चेहरे से हम इरेज कर देते हैं, हैंड से भी इरेज कर देते हैं, जो भी थोड़ा सा आपने उसको इरेज कर देना है। देखें डन कर देते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छी लुक आ गई है हमारी पिक्चर में। ये हो गया। उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम इसमें और क्या करना है, इसमें हमने टूल्स पे जाना है। क्रॉप पे जाने के बाद इस तरह से क्रॉप कर दें। ये देखें ये क्रॉप हो गया है। इसी तरह से क्रॉप कर देना है। उसके बाद इसको हमने सेव कर लेना। सेव करने के लिए हम जाएंगे इस ड्रा टूल में, ड्रा में पेंसिल में जाएंगे। पेंसिल में जाने के बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेव इमेज कर देना है। ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद हम इसको हम ले चलते हैं लाइट रूम में कलर एडिटिंग के लिए। चलो चलते हैं लाइट रूम में। ये देखिए हम लाइट रूम में आ गए हैं। उसके बाद ऑल फोटोज में जाएंगे और आपकी फ़ोटो ऐड हो कर लेनी है। पहले मैं ये देखिए हम लाइट रूम में आ गए हैं। लाइट रूम में आने के बाद आपको इस गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस डिवाइस बॉर्डर पे क्लिक कर लेना। ये देखिए आपको पिक्स आर्ट वाला फोल्डर मिल रहा होगा, उसमें अपने जाना है। ये देखें पिक्स आर्ट वाले फोल्डर में चले जाना है। ये देखें ये पिक्चर है, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ऑल फोटोज में जाएं। ये देखें ये पिक्चर ऐड हो गई है। उसके बाद हम सबसे पहले लाइट में जाते हैं। लाइट में जाने के बाद इस एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इस कलर वाले कलर में जाने वाले मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद इस रेड टोन को थोड़ा सा हमने कम कर देना है। ये ऐसे थोड़ा सा ही करना बार। उसके बाद इसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसको लुमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ इसी तरह सेट करते जाना है। उसके बाद वीडियो में जाते हैं। वीडियो में जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ रखते हैं 10 या 12 भी रख दें। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाएंगे। उसके बाद लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपको यहाँ 3 डब्बे मिल रहे होंगे, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद इस जैरो में टैप करना है, आर्टिस्टिक में जाना है, आर्टिस्टिक 3 सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें ये 100 पे होगा इसको। ये देखें उसके बाद हम यहाँ से डन कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें ये बिफोर थी कलर एडिटिंग करने से, आफ्टर
उसके बाद शेयर पे जाना है, सेव टू डिवाइस पे आपने क्लिक कर देना, आप गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।